4.3 गति के समीकरण इक्वेशन ऑफ मोशन। जब कोई वस्तु एक समान त्वरित गति से गति करती है तो एक निश्चित समय अंतराल में वस्तु के वेग v त्वरण a तथा तय की गई दूरी s में संबंध स्थापित करना संभव है। इसे गति के समीकरण के नाम से जाना जाता है। v बराबर u धन at 1, s बराबर ut धन 1/2 at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर धन 2as। एक समान त्वरित गति में वेग समय संबंध। चित्र 9 में हमने समान त्वरित गति का वेग समय ग्राफ देखा। ऐसा ही एक और ग्राफ चित्र क्रमांक 10 में दिखाया गया है। ग्राफ में यह पता चल रहा है कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, जो t समय में बढ़कर v हो गया है। बिंदु A पर वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और बिंदु B पर वस्तु का अंतिम वेग v है। BC बराबर v ऋण u। हम जानते हैं कि त्वरण A बराबर BC बटे AC बराबर BC बटे OD, A बराबर v ऋण u बटे t, AT बराबर v ऋण u, v बराबर u धन AT। यह गति का प्रथम समीकरण है। एक समान त्वरित गति में स्थिति समय संबंध। पोजिशन टाइम रिलेशन इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ का समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल निकालते हैं, जो कि विस्थापन के परिमाण s के बराबर होता है। ग्राफ से s बराबर आकृति OABD का क्षेत्रफल, s बराबर आयत OACD का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर OA गुणित OD धन 1/2 AC गुणित BC बराबर UT धन 1/2 OD गुणित BC समीकरण 1 व चित्र क्रमांक 10 से बराबर UT धन 1/2 T V ऋण U बराबर UT धन 1/2 V ऋण U T बराबर UT धन 1/2 AT गुणित T समीकरण 2 से S बराबर UT धन 1/2 AT स्क्वायर। यह गति का द्वितीय समीकरण है। हम एक और तरीके से S ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि OABD एक समलंब चतुर्भुज है, अतः S बराबर समलंब चतुर्भुज OABD का क्षेत्रफल, S बराबर 1/2 गुणित चतुर्भुज की समानांतर भुजाओं का योगफल गुणित ऊंचाई, S बराबर 1/2 OA धन BD गुणित OD चित्र क्रमांक 10 से, S बराबर 1/2 U धन V गुणित T समीकरण 2 से T का मान रखने पर, S बराबर 1/2 V धन U गुणित V ऋण U बटे A, S बराबर V स्क्वायर ऋण U स्क्वायर बटे 2A, V स्क्वायर ऋण U स्क्वायर बराबर 2AS। यह गति का तृतीय समीकरण है। इस प्रकार गति के तीनों समीकरण निम्नलिखित हैं। V बराबर U धन AT, S बराबर UT धन 1/2 AT स्क्वायर, V स्क्वायर ऋण U स्क्वायर बराबर 2AS।